जबलपुर से बड़ी जानकारी, रफ्तार का कहर जबलपुर में एक बार फिर देखने को मिला। यहां पर ट्रक और 407 की चपेट में आए बाइक सवार पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। एसपी ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया। तिलवारा थाने के वाटर प्लांट के पास का ये बड़ा हादसा है। तो जबलपुर से ये बड़ी और अहम जानकारी, एसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। और लगातार हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। राजेश, किस वक्त ये पूरा हादसा हुआ और कितने लोगों की यहाँ पर मौत हुई है इस पूरे हादसे में? मोनिका, देखिए रात 10 बजे का मामला है और जो रमनगरा प्लांट है सगड़ा बाईपास, वहां पर ये पूरा हादसा दर्दनाक हादसा हुआ था और जो ट्रक और लोडिंग वाहन है वो आपस में टकराए हैं और उनकी चपेट में एक बाइक सवार पुलिसकर्मी भी आया। मौके पर जो है वो 4 लोगों की मौत हुई है, 3 की शिनाख्त हो चुकी है जबकि 1 की पहचान अभी भी बाकी है। हादसा कैसे हुआ, हादसे की वजह क्या थी, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बताते हैं कि दोनों ही वाहन जो है वो तेज रफ्तार थे और तेज रफ्तार की वजह से कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाए और एक दूसरे से टकरा गए और उस बीच में जो बाइक सवार पुलिसकर्मी है जो अपनी ड्यूटी से धनवंतरी नगर चौकी से लौट रहा था वो भी उस हादसे की चपेट में आ गया। 4 लोगों की इसमें मौत हुई है, 3 की पहचान हो चुकी है, 1 जो युवक है उसकी पहचान अभी बाकी है। देर रात जो है वो कलेक्टर एसपी वहां पहुंचे हुए थे, पूरे हादसे की जांच उन्होंने की है। जिस टक्कर इतनी भीषण थी मोनिका की, ट्रक आपस में टकराने के बाद जो है वो खाई में जाके पलट गए थे और स्थिति जो थी कई घंटों जो है वो ट्रैफिक जाम रहा सगड़ा बाईपास पर और रमनगरा प्लांट के पास। तो लगातार कहीं ना कहीं रफ्तार का जो कहर है, जिस तरीके से रात में ड्राइविंग होती है, जिस तरीके से जो भारी वाहन शहर में चलते हैं, तो एक बार कहीं ना कहीं फिर एक बार जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आती है कि जिस तरीके की जांच होनी चाहिए रात में इन सारे पॉइंट पे वो कहीं ना कहीं नहीं की जाती और जिस तरीके से रोका जाना चाहिए, जांच की जानी चाहिए, ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहे, ये सारी चीजों की जांच की जानी चाहिए। तो प्रशासन की, पुलिस विभाग की ये कोई जांच कहीं किसी भी बाईपास पर नजर नहीं आती और यही बड़े हादसों का सबब आखिर में बनती है। बिल्कुल ठीक कहा राजेश आपने। इसके अलावा राजेश, क्या ट्रक में भी कोई सवार था, ट्रक चालक की कोई पहचान हो पाई? देखिए ट्रक चालक की पहचान हो चुकी है, 3 लोगों की पहचान मोनिका इसमें हो चुकी है। 1 जो युवक है जिसका अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। 2 ट्रक थे, 1 आयशर कंपनी का ट्रक था जिसमें डस्ट लोड थी, बड़ा ट्रक था ये और इसकी टक्कर जो है वो दूसरे ट्रक से हुई थी और बीच में जो है बाइक सवार जो पुलिसकर्मी था एक धनवंतरी नगर से लौट रहा था वो इन दोनों ट्रकों की चपेट में आ गया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 घायलों को अस्पताल ले 3 घायलों को अस्पताल ले जाया गया था जहाँ पर जो है 3 की मौत हो गई, 1 की पहचान अभी बाकी है और लगातार जो पुलिस है हादसे की कारणों की जांच जो है वो लगातार कर रही है। जो प्रत्यक्षदर्शी उनके बयान लिए जा रहे हैं कि आखिर क्या उस समय हुआ था, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। ठीक राज